नमस्ते कार, और आज हम खड़े हैं इंडियन सेडान के सामने जिसका नाम है टाटा टिगोर। 2017 में लॉन्च हुई थी और ये फर्स्ट जनरेशन ही आप देख रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आती है, शुरू होती है 5 लाख से और टॉप मॉडल की कीमत है 7 लाख रुपीज़। ये टॉप मॉडल XZ ऑप्शनल आप देख रहे हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिर्फ पेट्रोल में आएगा। टाटा टियागो का सेडान वर्जन है टिगोर। टाटा काइट 5 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है टिगोर। टाटा सिग्नेचर ग्रिल है। और ये हैं फॉग लैम्प्स, टाटा का लोगो। और ये हैं स्टाइलिश 3D प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। ब्लैक हाईलाइट में वाइपर्स। ये सिल्वर कलर आप देख रहे हैं, ब्राउन, रेड, वाइट, ग्रे और कॉपर कलर का भी ऑप्शन है। फोर मीटर लेंथ है, 1.5 मीटर हाइट है, 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस है और 1100 kg कर्ब वेट है। और ये हैं 14 इंच के अलॉय व्हील्स, 15 इंच के अलॉयज, 13 और 14 इंच के स्टील व्हील्स का भी ऑप्शन है। आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। नॉच बैक डिज़ाइन है टिगोर का, जिसको टाटा कहती है स्टाइल बैक। स्टील मोनोकॉक बॉडी है टिगोर की। क्रोम हाईलाइट है पीछे बूट के डोर पे। और ये टॉप मॉडल XZ की बैजिंग, ये टाटा का लोगो, टिगोर की बैजिंग, रियर कैमरा। और ये हैं स्प्लिट LED टेल लैंप्स, ये LED स्टॉप लैंप, साथ में एंटीना है। आगे कॉइल स्प्रिंग के साथ इंडिपेंडेंट लोअर विशबोन मैकपर्सन स्ट्रट सस्पेंशन, और पीछे डुअल पाथ स्ट्रट के साथ सेमी इंडिपेंडेंट क्लोज्ड प्रोफाइल ट्विस्ट बीम सस्पेंशन मिलेंगे। दो ड्राइव मोड्स हैं, इको और सिटी। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में स्पोर्ट मोड भी मिलेगा। और ये ORVM पे टर्न इंडिकेटर्स हैं। और यहाँ ए पिलर पे टिकट होल्डर भी मिलेगा। सेफ्टी के अंदर दो एयरबैग्स, इमोबिलाइजर, स्पीड डिपेंडेंट ऑटो डोर लॉक्स, पार्क असिस्ट कैमरा और रियर सेंसर्स के साथ ABS, EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, सेंट्रल लॉकिंग और सीट बेल्ट्स, प्री टेंशनर्स और लोड लिमिटर्स के साथ मिलेंगी। और यहां आपको मिलेगी 419 लीटर की बूट स्पेस। नॉच बैक डिजाइन, और इसको उठाएंगे तो यहाँ पर स्पेयर व्हील आएगा और टूल किट रखी गई है। आइए पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोलकर देखते हैं। 8 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा टाटा टिगोर में।
नीचे बॉटल होल्डर दिया गया है, ये पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, स्पीकर्स हैं, और ये है ब्लैक कलर में फुल फैब्रिक अपहोल्स्ट्री। तीन हेडरेस्ट मिलेंगे, और ये आर्मरेस्ट है, इसके अंदर दो ग्लास होल्डर्स दिए गए हैं। सीट के पीछे पॉकेट्स नहीं मिलेंगी, और सनरूफ आप ऑप्शन में लगवा सकते हैं एक्सेसरीज के अंदर। यहाँ ग्लास होल्डर है, और ऐसा दिखता है फ्रंट का डैशबोर्ड। इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेड स्टेयरिंग है टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ। पियानो ब्लैक फिनिश है सेंटर कंसोल पे। और ये रीडिंग लाइट है यहाँ पर बीच में। आइए फ्रंट का ड्राइवर साइड डोर खोलकर देखते हैं। तो यहाँ डोर हैंडल पे पियानो ब्लैक फिनिश है, नीचे स्पीकर्स हैं, बॉटल होल्डर और काफ़ी स्पेस भी दी गई है। ये पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, और ऐसे दिखती हैं आगे की सीट्स। फुल फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है, और यहाँ थोड़ी स्पेस दी गई है ड्राइवर के लिए, और ये फ्यूल लिड खोलने के लिए, और ये पैडल्स हैं, ये बोनेट खोलने का लीवर, एसी वेंट्स, कोलैप्सेबल स्टेयरिंग कॉलम मिलेगा। और यहाँ से भरेंगे डीजल, और ये मैनुअल हैंड ब्रेक। यहाँ पर भी एक 12V का चार्जिंग पोर्ट है, दो ग्लास होल्डर्स हैं, और ये है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। फाइव स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है, उसका नाम है EasyShift AMT ट्रांसमिशन। पियानो ब्लैक फिनिश है गियरबॉक्स के साइड में। यहाँ नीचे थोड़ी स्पेस दी गई है, ये ऑक्स और USB का पोर्ट, साथ में 12V का चार्जिंग पोर्ट, और ये है फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल AC, और यहाँ पे फॉग लाइट के कंट्रोल्स हैं, ईको मोड का बटन है, बूट खोलने का बटन है, और ये है हार्मन का कनेक्ट नेक्स्ट 5-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, सपोर्ट करेगा रेडियो, FM, USB, ऑक्स, SD कार्ड, ब्लूटूथ, वॉइस कमांड, नेविगेशन और ऐप सूट। ये क्लॉक भी है यहाँ पे, आउटसाइड टेम्परेचर भी दिखा रहा है। ये व्हीकल ऑडियो, ब्लूटूथ, फ़ोन, सॉफ्टवेयर डिटेल्स। फ़ोन, मीडिया, ऐप्स, वॉइस कमांड, रेडियो, ये सेंटर लॉकिंग, पार्क असिस्ट, दो AC वेंट्स हैं। ये है शानदार डैशबोर्ड की फिनिश, आगे भी थोड़ी स्पेस दी गई है वहाँ पे, और ये है कूल्ड ग्लो बॉक्स, और ये पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर, और ये ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर, और ये है पियानो ब्लैक हाईलाइट में 3-spoke स्टेयरिंग व्हील, बीच में टाटा का लोगो है। ये फ़ोन के कंट्रोल, वॉल्यूम के कंट्रोल्स, ये वॉइस कंट्रोल, ये लाइट के कंट्रोल्स हैं, और ये वाइपर के कंट्रोल्स हैं, और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बीच में 2.5-inch का मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है जो दिखाएगा डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, दो ट्रिप मीटर, एवरेज,
रेंज और टैकोमीटर। इंस्टेंट एवरेज दिखाएगा। आइए फ्रंट का बोनेट खोलते हैं और देखते हैं डीजल इंजन। और ये है इनलाइन 3 सिलेंडर 1050 सीसी रेवोटॉर्क इंटरकूल्ड टर्बो डीजल इंजन। 70 हॉर्स पावर है, 140 एनएम टॉर्क है, 24 का एवरेज मिलेगा 35 लीटर के फ्यूल टैंक से और 150 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। पेट्रोल में इनलाइन 3 सिलेंडर 1200 सीसी रेवोट्रॉन इंजन आएगा, उसकी होगी 83 हॉर्स पावर, 114 एनएम टॉर्क, 20 का एवरेज और 160 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। इंजन में सिंगल कॉन्ट्रा रोटेटिंग बैलेंसर शाफ्ट है बेहतर एवरेज के लिए। टाटा बैटरी है। डीजल में रेवोटॉर्क इंजन आएगा और पेट्रोल में रेवोट्रॉन इंजन आएगा। और ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प सब ऑन हो गए हैं। और ये है पेट्रोल का एक्सजेड टॉप मॉडल। ये ऑटोमेटिक मॉडल है, इसमें 15 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिलेंगे। 15 इंच के अलॉय व्हील्स सिर्फ पेट्रोल में ही आएंगे टॉप मॉडल में। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं। और ये है ईजी शिफ्ट 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ये स्पोर्ट मोड है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिर्फ पेट्रोल में ही आएगा, बाकी डैशबोर्ड फिनिश कंट्रोल सेम है। तो कैसी लगी आपको टाटा टिगोर हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।